so many pieces all back together now. What's your vision? तो फिर ठीक है, तो आज हम सस्पेंशन ब्रिज का सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 3-inch स्टिफनर गर्डर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिज कैसा होता है। ठीक है, तो ब्रिज में सबसे पहले उसका मेन कंपोनेंट गर्डर इस तरह से रहेगा। गर्डर यानी कि बीम ही रहती है। अगर बीम की डेप्थ 0.6 मीटर या फिर 1 मीटर के अबाव जाती है तो उसको हम लोग गर्डर बोलते हैं। ठीक है, कोई तो सपोर्ट पर रेस्ट होने वाला है। ठीक है, अभी उसको केबल से हैंग करना है क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये हमारा पहला टावर। ठीक है, ये मेन केबल है। ठीक है, ये मेन केबल जाके आगे जाके एंकर्ड हो जाती है फिक्स्ड। ठीक है, फिर उसको लटकते हुए आती है। इन केबल को बोलते हैं ट्रांसमिशन केबल्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया यहाँ पर। और ये गर्डर में ये है हमारा पहला इंच, ये दूसरा इंच, अब ये 3 इंच है, इसलिए यहाँ पर एक सेंटर में उसको 3 इंच दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिप जिसको हम एच से डिनोट करने वाले। ठीक है, ये रहने वाला स्पैन एल, और एल बाई टू पर हमारा 3rd इंच आता है जो कि सेंटर इंच। ठीक है, ज़्यादातर हम इन पॉइंट को नाम देते हैं ए बी, इसको सी, एकदम सी डैश, फिर ये डी, और फिर ये ई। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या क्या आने वाले हैं। यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आने वाले, क्योंकि यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होने वाले, इसलिए अभी वर्टिकल रिएक्शन ही आने वाले। फिर ये वाले पॉइंट पर वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, ये वाले पे वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, ये है हमारा V। ठीक है, और ये है हमारा H। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखोगे थी कि इतना वाला पार्ट तो वही केबल वाला ही है, खाली उसमें एक गर्डर ऐड हुआ है। तो सब में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है ये वाले ब्रिज का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड करेंगे। ओके, ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। फिर मोमेंट एट सी लेंगे, मोमेंट एट सी जो कि मैक्सिमम रहने वाला है गर्डर का, जो यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है केबल पे। ठीक है, तो वाला फाइंड करेंगे। फिर हम लोग उसको, उससे हम लोग एच के वाले फाइंड कर लेंगे, ये वाली एच जो कि रहेगा मोमेंट एट सी अपॉन डिप यानी कि एच। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये वाला कैलकुलेशन के बाद हमको केबल कितना लोड ले रहा है ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम केबल को यहाँ से काट देंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भूल जाओ फिलहाल। ठीक है, तो ये वाला केबल, ये उसका केबल्स है टूटे हुए जॉइंट्स। ठीक है, तो ये वाले केबल एक दूसरे को खींचेंगे यानी कि ये टेंशन में है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये वाला टेंशन फोर्स जो है वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि वो थ्रू आउट द स्पैन है। ठीक है, तो उस इंटेंसिटी को हम लोग कहेंगे W। ठीक है, तो W के लिए फॉर्मूला क्या रहेंगे हमारा फाइंड करने के लिए, ये वाला इक्वेशन डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 जो मैक्सिमम है UDL के केस में, इज इक्वल टू मोमेंट एट सी। ठीक है, मोमेंट एट सी हमने फाइंड किया रहेगा, तो इससे हमको W की वैल्यू मिलेगी, L तो हमारे पास पहले पास है। ठीक है, तो वो फाइंड करने के बाद हम लोग उसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कोई कोई प्रोफेसर या फिर कोई कोई कॉलेज में केबल जो लोड लेता है उसको डेड लोड माना जाता है, और जो गर्डर पे लोड होता है उसको लाइव लोड माना जाता है, और उस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली अब एक सम सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सम है, अ 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर ऑफ सस्पेंशन ब्रिज स्पैन 120 मीटर इज सब्जेक्टेड टू टू लोड्स ऑफ 240 किलोन्यूटन एंड 300 किलोन्यूटन 25 मीटर एंड 80 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट. फाइंड द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ द गर्डर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर एंड ऑल्सो द सेंट्रल लिप इज 12 मीटर एंड ड्रॉ बी एम डी एंड एस एफ डी ऑफ द ब्रिज. ठीक है, तो यह वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले ब्रिज बना लेते हैं. हमारा ब्रिज कैसा होने वाला है, छोटा ही बना लेते हैं. यहाँ पर ये गर्डर, ठीक है, ये हमारे सपोर्ट्स, ओके, फिर ये वाला है केबल, ओके. फिर हमको गिवन क्या है, स्पैन कितना है, 120 मीटर, ठीक है. तो 60 मीटर पे हमारा सेंट्रल हिंज है, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे लेते हैं, ए बी ये सी ये डी और ये है ई, ओके. तो फिर हमारे पास लोड कौन से, लोड 240 किलोमीटर 25 मीटर पर, 240 और फिर 300 किलोन्यूटन 80 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट. तो ये 60 है, तो ये इसके आगे ही जाने वाला है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 300 किलोन्यूटन, ओके. इसके डिस्टेंस हमको दिया गया है, ये है 25, ठीक है, 25 ये है, तो ये बचा हुआ 60 माइनस 25 कितना होगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है. तो 35 प्लस ये 60 हो गया, तो इसमें 20 डालेंगे तो ये 80 हो गया ये पूरा, और फिर बचा है 80 मीटर, तो ये 120 टोटल हो गया, ओके. तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड करेंगे आर ए एंड आर बी. सबसे पहले तो इसको हम लोग एक नॉर्मल बीम की तरह ही अज्यूम करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमारा स्टेप है रिएक्शंस, ठीक है. तो सबसे पहले मोमेंट एट ए लेते हैं, सबमिशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो. क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ठीक है. क्लॉकवाइज में देखेंगे तो 240 पहला है, 240 इंटू 25 क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, फिर प्लस 300 इंटू 80, फिर माइनस क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आर बी इंटू 120, ठीक है. तो इससे हमको आर बी की वैल्यू मिलती है 250 किलोमीटर, ओके. फिर समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड में है आर ए, फिर आर बी, आर बी की वैल्यू है 250, इज इक्वल टू डाउनवर्ड में क्या है 240 और 300, इससे हमको आर ए की वैल्यू मिलती है 290 किलोन्यूटन, ओके. तो फिर ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में हम लोग फाइंड करेंगे मूवमेंट एट सी. तो ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर रहेगा अभी मोमेंट एट सी फाइंड करना. सेकेंड पॉइंट मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट है, इसको यहाँ पर बी भी लिख लेता हूँ. तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, एक तो लेफ्ट में देखो या फिर राइट में देखो, कोई भी देखो, अभी इधर से देखते हैं आर ए इंटू 60 और ए 240 इंटू 35, ठीक है. तो आर ए स्माइल कर रहा है, ऐसे स्माइल होने वाला है, यानी कि सैग हो रहा है इंटू 60, सॉरी सॉरी आर ए की वैल्यू है 290, ओके. फिर माइनस में आ रहा है 240 इंटू 35, ठीक है. तो ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगी 9000 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, मोमेंट की यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है. फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करेंगे थर्ड पॉइंट में हमारा H, H इज इक्वल टू मोमेंट एट सी अपॉन
डिप यानी कि एच स्मॉल एच मोमेंट एट सी 9000 और हमारा डिप है सॉरी ये देखा नहीं क्वेश्चन में गिवन है 12 मीटर ओके अपॉन 12 इज इक्वल टू 750 किलो न्यूटन ये हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यानी कि ये वाली ठीक है फिर अपवर्ड वी भी हमको ऐसे ही मिल सकता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 2 लेकिन इसके लिए हमको W की वैल्यू चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग W फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर हमको हमारे पास इक्वेशन है 4 पॉइंट लिखते हैं इसको यूडीएल ऑन केबल ठीक है यूडीएल ऑन केबल W L स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू मोमेंट एट सी ठीक है तो W एज इट इज L है हमारा 120 स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू मोमेंट एट सी 9000 इससे हमको W की वैल्यू मिलती है 5 किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है तो इससे हमको V की वैल्यू मिलेंगी डब्ल्यू एल बाई 2 यानी कि 5 इंटू 120 बाई 2 तो फिर V की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 300 किलो न्यूटन ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं ये 300 और H है 750 290 250 अभी फिफ्थ स्टेप पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग हमको हमारे पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और वर्टिकल रिएक्शन भी है केबल के तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसका टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं मेन केबल के लिए जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन हम लोग वो वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट नाम देते हैं उसको कि टेंशन इन केबल ठीक है तो टी मीन मिनिमम टेंशन विल बी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो कि है 750 किलो न्यूटन और फिर टी मैक्स मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जिससे हमको आंसर मिलेगा 807.77 किलो न्यूटन ठीक है फिर इसके बाद हमारा आता है सबसे मेन पार्ट जो है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है तो यहाँ पर SFD बनाते हैं अभी ठीक है तो यहाँ पर हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे ओके ठीक है लोड ऑन गर्डर के बेसिस पे और केबल के लोड पे ठीक है या फिर लाइव लोड और डेड लोड बोल सकते हैं इसको या फिर एक्चुअल लोड या फिर लोड ऑन केबल ऐसे भी बोल सकते हैं इसको ठीक है तो गर्डर का डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे ये गर्डर है जिसके ऊपर ये रिएक्शंस ठीक है और यहाँ पर दो लोड थे ओके ये है 290 फिर 250 300 और 240 ओके इसका डिस्टेंस भी हमको पता है ये है 25 मीटर फिर 35 और 20 35 और 20 55 और फिर 40 ओके तो अब यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे केबल का तो केबल को हम लोग जो कर्व्ड है इसको हम स्ट्रेच करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल अज्यूम करेंगे ठीक है तो यहाँ पर केबल हमारे कुछ इस तरह से थी ठीक है जिसको हमने काट दिया था और ये हमारा गर्डर था ओके ये टेंशन इंडिकेट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ केबल के फोर्स
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो केबल के जो यूडीएल है वो अपवर्ड खींच रहा है गर्डर को, ठीक है। तो ये वाला यूडीएल अपवर्ड रहेगा, यानी कि इसको नीचे दिखाएंगे, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी है पाई किलो न्यूटन मीटर, स्पैन है 120 मीटर, ठीक है। तो इसके रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, अगर ये अपवर्ड है तो रिएक्शन डाउनवर्ड आने वाले हैं, और यूडीएल रहता है तो सिमेट्री की वजह से हम लोग इसका रिएक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं डब्ल्यू एल बाई टू, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वी यानी कि है 300, 300, ठीक है। तो अभी डिफरेंस लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंपल डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो ये है 290 अपवर्ड, इसको 290 अपवर्ड लेंगे, ओके। ये हो गया 290 अपवर्ड, ठीक है। ये आगे जाएंगे, कोई लोड नहीं है, अब यहाँ पर लोड है, यानी कि नीचे, यानी कि 290 माइनस 240 50, तो ये 50 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर सीधा चलते जाएंगे, यहाँ पर लोड है 50 माइनस 300 यानी कि 250 माइनस 250 यानी कि नीचे जाएगा माइनस 250, और यहाँ पर अपवर्ड जा रहे हैं यानी कि प्लस 250 यानी कि हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस गर्डर, ओके, ठीक है। अभी हमको वैल्यू है 25 मीटर भी चाहिए और 40 मीटर यहाँ से भी चाहिए, ठीक है। तो उसके भी रेफरेंस लाइन हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया उसका नॉर्मल एक्सिस, ओके। तो ये जा रहे हैं 300 नीचे, 300 नीचे, फिर कोई लोड नहीं, यूडीएल है इसलिए ऐसा जाएगा अपवर्ड, फिर यहाँ पर 300 नीचे वापस, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव और ये है पॉजिटिव, ओके। वैल्यू है 300 और 300, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाली भी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको पता है, ये है 25, ये है 55 और ये है 40, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए सिमेट्री ऑफ ट्रैंगल यूज़ करेंगे, हाइट अपॉन उसका डिस्टेंस, ये वाले पॉइंट से वो रहता है 60 इज इक्वल टू, ये अननोन हाइट है इसलिए इसको नाम देते हैं वाई। फिर उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ये 60 है, 60 में से 25 निकाल दो तो बचता है 35, ठीक है। तो इससे हमको वाई की वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर 175 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 175, ठीक है। सिमिलरली ये वाले ट्रैंगल में देखेंगे तो ये भी यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे ट्रैंगल में, ये वाला ट्रैंगल और ये वाला ट्रैंगल सिमिलर है, तो यह इसके हाइस्ट 30 और 60 बराबर है, ये वाई एट डिस्टेंस ऑफ ये 60 है, उसमें से 40 माइनस निकाला तो ये बचता है 20, तो ये 20 जिससे हमको वाई की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100, ओके। अभी फाइनल शेयर फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हो गया गर्डर का और ये हो गया केबल का। तो फिर फाइनल शेयर फोर्स डायग्राम दिखाने के लिए हमको पास दो मेथड्स है शेयर फोर्स डायग्राम दिखाने के लिए, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए, तो सबसे पहले मेथड में हम लोग देखेंगे थे कि ऐसा सॉल्व करेंगे, कि फर्स्ट वाले पॉइंट पे देखेंगे पॉजिटिव 290 है और नेगेटिव 300 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 290 माइनस 300 कितना होगा, माइनस 10, तो माइनस में इंडिकेट करेंगे 10, ठीक है। तो सेकेंड वाले पॉइंट पर दो वैल्यू है, एक तो 290 भी है और 50 भी है, और यहाँ पर 175 ही है खाली, ठीक है। तो 290 और ये माइनस में, इसलिए माइनस 175, तो फिर इसकी वैल्यू बन जाती है 115 पॉजिटिव में, इसलिए हो गया 115, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर 50 माइनस 175 कितना होगा, माइनस 125, ठीक है। तो ये वाला इधर प्लॉट होगा, माइनस में है इसलिए ये है 125 माइनस, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला पॉइंट भी देखेंगे 50 है, तो 50 माइनस, माइनस नहीं अभी ये प्लस है 100, तो 50 प्लस 100 150, तो ये वाला इधर प्लॉट करते हैं, ये हो गया 150,
ठीक है। फिर यहाँ पर है माइनस 250 और प्लस 100, यानी कि माइनस 150 आएगा आंसर। तो ये माइनस 150 इधर, ये हो गया 150 इन माइनस। फिर यहाँ पर लास्ट में देखेंगे माइनस 250 और प्लस 300, यानी कि प्लस 500 प्लस 50, तो ये प्लस 50 हो गया इधर, और फिर हो जाए ज़ीरो। तो ये वाला हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। ये है माइनस, ये है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इसको शेड कर दो, ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक अलग मेथड है। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो अभी ये वाला डायग्राम बनाने के बाद ये वाला डायग्राम उसके ऊपर ही बना दो। ठीक है, तो इसको मैं अलग पेन से बनाता हूँ। अभी ये माइनस वाला है, हम लोग नीचे ले तो ये वाले केस में हम लोग माइनस वाला ऊपर लेंगे, लेकिन ये वाला एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो ये प्लस ही है और ये माइनस ही है, लेकिन इसको हम इन्वर्ट करेंगे। इसका माइनस ऊपर लिखेंगे और इसका प्लस इधर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 300 है और ये 290, यानी कि 300 यहाँ पर आने वाला है, और यहाँ पर भी 300 है और ये 250, यानी कि 300 यहाँ पर आने वाला है, थोड़ा दूर। ओके, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सुपर इम्पोज। ठीक है, जो ओवरलैप नहीं हो रहा है एक दूसरे से, वो वाला हमारा शेयर फोर्स डायग्राम रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा किसी से, ये वाला रीजन ओवरलैप हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर ये वाला, सॉरी, ये वाला नहीं हो रहा। ठीक है, और ये लास्ट में यहाँ पर छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो ये वाले शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, फिर भी चलेगा और ये भी चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर देखेंगे तो वही वैल्यू है, ये 10 है, ये 150 है, फिर माइनस में 125, फिर ये 150, फिर ये 150 वापस, और ये 50 माइनस। ठीक है, तो ये सेम ही है, बस थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा अलग दिखता है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर शेयर फोर्स एट 40 मीटर हमको फाइंड करने के बोला था, तो शेयर फोर्स एट 40 मीटर विल बी, ठीक है, तो ये 40 मीटर यहाँ से देखेंगे तो ये 290 ऊपर है और माइनस 240। ठीक है, तो ये हो गया गर्डर का, यानी कि SF एट गर्डर प्लस SF इन केबल, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो SF इन गर्डर है 290 अपवर्ड और फिर माइनस 240। फिर शेयर फोर्स डायग्राम इन केबल, केबल में अपवर्ड यूडियल है और डाउनवर्ड रिएक्शन है, इसलिए डाउनवर्ड रिएक्शन के लिए 300 किलोन्यूटन, और फिर अपवर्ड यूडियल के लिए यूडियल की इंटेंसिटी पाई इंटू 40। ठीक है, तो इससे हमको वैल्यू मिलेगी माइनस 50 किलो। ठीक है, तो ये वाले हो गया शेयर फोर्स एट 40 मीटर का। ठीक है, तो अभी अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको लिए भी हम लोग इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, पहला तो है गर्डर और केबल, ये है गर्डर और ये है केबल। ओके, फिर से हम लोग वही डायग्राम बनाए थे लोड वाले। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर
न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करते हैं पहले, बना लेते हैं सारे। तो फिर मोमेंट एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे रहने वाला है 290 × 25, यानी कि 7250। तो ये 7250, ठीक है। तो मोमेंट एट सेंटर तो हमने पहले ही फाइंड किया है, मोमेंट एट सी यानी कि 9000, ये है 9000 बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। फिर मोमेंट एट ये वाले पॉइंट 250 × 40, यानी कि 10000, ये हो गया 10000, और ये इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ऑफ गर्डर। और फिर केबल का यहाँ पर बनाएंगे तो यूडीएल है, इसलिए वो भी अपवर्ड है, इसलिए डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, यानी कि इसकी वैल्यू होने वाली है 9000 किलोन्यूटन, ठीक है। तो मोमेंट एट ए वाले पॉइंट फाइंड करेंगे तो -300 × 25 +5 × 25 × 25/2, यानी कि ये वाली वैल्यू मिलेंगी जो कि है 5937.5, 5937.5। और ये वैल्यू वैल्यू रहेगी ये वाले सेक्शन पे, यानी कि ये 40 मीटर है। -300 × 40 +5 × 40 × 20, ये 8000, ठीक है। और ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो अभी फाइनल बेंडिंग मोमेंट हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला 7250 ये यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। फिर 9000 इधर आएगा, फिर 10000 इधर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद 5937.72 के नीचे तो यहाँ पर आएगा थोड़ा, इसको ब्लू डायग्राम से बनाएंगे। और फिर 9000 पे कोलाइड होगा, ओके। यहाँ पर कोलाइड होगा, फिर ये वाले पॉइंट पर 8000 है, तो 8000 यहाँ पर आएगा कुछ, तो ये पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वैसा पार्ट कौन साइड नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट नहीं हो रहा है कौन साइड, और ये वाला नहीं हो रहा है। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसकी वैल्यू लिख दो, ये 10000, ये 8, फिर ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 99000, और यहाँ पर भी 9000 ही है। फिर यहाँ पर है 57250 और ये 5937.5, ठीक है। तो हमको बेंडिंग मोमेंट एट 40 मीटर, यहाँ से 40 मीटर पे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो वाला फाइंड करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट 40 मीटर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इन गर्डर प्लस बेंडिंग मोमेंट इन केबल, ठीक है। तो गर्डर में है 290 × 40, फिर माइनस 240 × 40 − 25, ठीक है। ये टोटल 40 है और माइनस 25 डिस्टेंस, तो ये हो गया गर्डर का। फिर प्लस बेंडिंग मोमेंट एंड केबल, यहाँ से देखेंगे तो है -300 × 40, और फिर प्लस 5 यूडीएल की इंटेंसिटी इंटू 40² / 2, ठीक है। तो ये हमको डायरेक्टली मिलेंगी 0 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन ब्रिज का एक एग्जाम्पल। होप सो यू डोंट हैव एनी डाउट्स। जो पीडीएफ सेंड में करने वाला हो उसमें आप एकदम डिटेल में देखेंगे कि फॉर्मेट कैसे है, कैसे सॉल्व करना है, और उसमें आप दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।